जबलपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कचपुरा जोन ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें रानी दुर्गावती वार्ड में नगर निगम द्वारा जो लापरवाहियां की जा रही हैं उस बारे में शिकायत की गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहीं पीने के पानी की भी दिक्कत बनी हुई है। उसके बाद भी नगर निगम अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा रही। वहीं पूरे मामले में नगर निगम जोन अधिकारी का कहना है कि नगर निगम चुनाव पास में होने के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी राजनीति की रोटी सेकने जोन कार्यालय पहुंचे थे, जहां क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं नगर निगम के अधिकारी समस्या को गंभीरता से न लेते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान देते नजर आ रहे हैं। ये मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि वर्तमान में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव आने वाले हैं तो जो अपने नेता लोग हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी तो दिखाएंगे ही। इस बात इसीलिए ज्ञापन आया हुआ था, और हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो साल हम न कराते हों, चाहे लाइट की हो, चाहे सफाई का हो, चाहे टैक्स का हो, इमीडिएट काम करते हैं हम। ये मानते हैं दबाव बनाने आए थे आप? दबाव नहीं बनाने आए, तो भाई जनता को अपने साथ लेना पड़ेगा ना उनको, हम पे दबाव नहीं बनाया उन्होंने, उन्हें जनता को दिखाया कि हम आपके साथ हैं, आपकी सेवा करेंगे, काम करेंगे, तो उनका भी आना जरूरी है। पानी की समस्या के लिए अभी हमारे विजय दुबे जी वहाँ के AE हैं जल विभाग के, वो खुद साथ में निकल चुके हैं उनके साथ समस्या सॉल्व करने के लिए। सफाई की समस्या के लिए हमारे नए सुपरवाइजर राव साहब आए हुए हैं, उनको साथ अपना नंबर दे खुद निकल चुके हैं काम करने के लिए। लाइट के लिए पटेल साहब खड़े हुए हैं, वो खुद उनको नंबर नोट कराने का भी बोले कि नंबर देंगे, हम आपको नंबर देंगे, वो भी करवा देंगे। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो न कराई जा सके। दिनेश प्रताप सिंह, संभागीय अधिकारी, संभाग क्रमांक 2। लोग समस्त युवा कांग्रेसी रानी दुर्गावती वार्ड में व्याप्त जल समस्या को लेके, साफ सफाई व्यवस्था को लेके और प्रकाश व्यवस्था को लेके आज संभागीय कार्यालय 2 नंबर में हम लोगों ने DO साहब को एक ज्ञापन दिया है। रानी दुर्गावती वार्ड में मुजावर मोहल्ले के पास एक बस्ती है, लगभग 200-250 परिवार वहाँ पर निवास करते हैं। लगभग 6 माह से ऊपर का समय हो गया है, वहाँ पीने का जो पानी है वो उपलब्धता नहीं है, ऊपर से नीचे आते हैं पानी लेने के लिए। लगातार वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने, माताओं बहनों ने नगर निगम जाके जल प्रभारी जो हैं उनको लगातार अवगत कराया, लेकिन कोई नहीं। वहाँ की समस्त माताओं बहनों और साथ के हमारे साथियों ने इस विषय के बारे में हम सब लोगों को, सचिन को और हमको अवगत कराया। हम लोगों ने उनको साथ में लेकर आज DO महोदय को ज्ञापन दिया है और यह मांग की है कि जल्द से जल्द आप स्पॉट निरीक्षण अधिकारियों से करवाएं और जो भी जल की समस्या है उसको हल कराएं। सलील चौक से आज हम सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर कचपुरा जोन में DO साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारी मांग थी वहाँ पे पानी की पाइपलाइन जो खराब है, चोक है, उसकी बॉल नहीं बदली जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे प्रकाश से प्रभावित है, वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं है। अगर लाइट की यहाँ पे बात की जाती है तो इनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, बोले स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही, बोले लाइट खरीदने पैसा नहीं है। दूसरी चीज़, आज यहाँ पे इन्होंने DO साहब को ज्ञापन दिया तो उनका कहना है कि अभी निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे इनकी नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नेतागिरी करते तो जो जनता है वो यहाँ आके क्यों आते साथ में खड़ी होती। आज वो परेशान है, प्रभावित है, वहाँ से क्षेत्र पूरा प्रभावित है। वहाँ पे जाके 200 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल पानी के लिए परेशान हैं, उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ये समस्या आज की नहीं है, 6 महीने की है, और वहाँ के जो क्षेत्रीय नागरिक हैं उनने वहाँ पे जाके अपने खुद क्षेत्रीय जन जाके जो जल प्रभारी हैं उनको ज्ञापन दिया, उनको अपनी मांग बताई, पर उसके बाद आज कुछ नहीं हुआ। और आज हम यहाँ आके ज्ञापन देते हैं तो वो हमें राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी DO साहब की रहेगी। इसके पहले भी आपने अपने स्वयं के खर्चे से वहाँ उस वार्ड में पानी का कार्य कराया था? वहाँ स्वयं के खर्चे से वहाँ पे बोरिंग हुई, ऐसे कई काम हुए हैं, पर वहाँ के जो BJP की पार्षद हैं उनके पास अगर पब्लिक जाती है तो उनका साफ कहना रहता है मेरे को अगली बार चुनाव नहीं लड़ना है, मैं कोई काम नहीं करूंगी, मेरे को वोट मत डालना। तो ऐसी उसी मानसिकता के लोग हैं BJP के, जो सत्ता में रह के लोगों की सेवा नहीं करना चाहते और चुनाव जीतने के बाद उनको हाथ दिखाते हैं। आप ये मानते हैं सक्षम अधिकारी है, जिनको ऐसा बोलना अच्छा लगे जो आपको बताया कि नेतागिरी में? बिल्कुल, सक्षम अधिकारी को तो ऐसी जवाबदारी पद में बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि महिलाएं इकट्ठे हैं, क्षेत्र के लोग इकट्ठे हैं, अगर उनके पास कुछ परेशानी है तभी आज वो यहाँ खड़े हैं।
नहीं तो कोई अपना समय कि मजदूरी वर्ग के लोग हैं, काम धंधा वाले लोग हैं, अपना समय खराब करके यहाँ थोड़ी आएंगे। आज वो परेशान है इसलिए आज वो यहाँ खड़े हैं। सचिन बाजपेयी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो प्रेस न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।